हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं मॉस के बारे में। मॉस आप सभी ने देखी होगी, छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि कहीं पुरानी बिल्डिंग्स पर, पत्थरों के ऊपर या पार्क्स के साइड वॉक में या ईंटों पर भी। कई बार बहुत पुरानी ईंटें पड़ी होती हैं एक ही जगह पर, उसके ऊपर भी वो उगाते हैं। बहुत छोटे छोटे से ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और इसको टेरेरियम्स में भी यूज़ किया जाता है। मैं बेसिकली इसको टेरेरियम के लिए ही लेकर आई हूँ। आज मैं नर्सरी गई थी तो मुझे रास्ते में एक जगह पर बहुत सारी मॉस दिखाई दी, तो मैंने वहाँ से निकाल ली है और मैं इसको लेकर आई हूँ। देखिए कितनी सुंदर और ग्रीन लग रही है, बहुत ही सुंदर पौधे लगते हैं ये भी। आज हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम लगाकर इसको रख सकते हैं, और जिससे कि ये हम बाद में इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मॉस को उगाने के लिए मैंने एक पुराना बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने पहले कुछ सीड्स लगाए हुए थे, उनको अब ट्रांसप्लांट कर दिया है तो ये खाली पड़ा हुआ था। इसमें नॉर्मल पॉटिंग मिक्स है और ये थोड़ा हार्ड हो चुका है, जम गया है, तो इसी के ऊपर मैं कोशिश करूँगी ये पैचेस मैं मॉस के लगाने की। इसके ऊपर अच्छे से इनको रख कर जमा देना है और फिर हम इसको धीरे धीरे इसमें पानी डालना है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसको हमें दिन में कम से कम 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहना है, ताकि ये हमेशा मिट्टी बिल्कुल गीली रहना चाहिए, नहीं तो ये मॉस ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात है लाइट। हम इसको हम अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये काली हो जाती है, जल जाती है। इसको लाइट तो चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में रखने से ख़राब हो सकती है, तो थोड़ा हमें इसको नमी वाली जगह पर, और इसके ऊपर अगर हम कोई एलईडी लाइट लगा देते हैं जिसमें कि, तो ये हम इसको फिर इंडोर्स में भी उगा सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने इसी तरह एलईडी लाइट के नीचे, लैम्प के नीचे इसको रखकर उगाया था, बहुत ही अच्छे से ग्रो की थी। उसको मैंने टेरेरियम बनाया है, अगर आपको टेरेरियम बनाने का वीडियो देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बना के दिखा दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मॉस की हज़ारों वैरायटीज़ होती हैं, एक्चुअली बहुत सारी वैरायटीज़ की मॉस होती हैं। आपके आसपास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो और भी बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी की मॉस होती हैं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी की मॉस हो सकती हैं। कई बार ये घर में जो हमारे एक्वेरियम होता है उसमें भी उगाती हैं, जैसे कि उसमें, क्योंकि पानी तो उसमें होता ही है, और पमिस स्टोन्स हम कई बार डेकोरेशन के लिए रखते हैं, और उसमें अगर लाइट्स काफ़ी ज़्यादा देर तक हम जलाए रखते हैं एक्वेरियम में, तो उसमें पत्थर के ऊपर मॉस जम जाती है। आप जब कहीं से मॉस कलेक्ट कर रहे होते हैं तो लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास, उसके नीचे बहुत सारे कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको मॉस कलेक्ट करना चाहिए किसी चीज़ से, और उसको एक प्लास्टिक के डब्बे में या किसी चीज़ में ही लेकर आएँ, हाथ से डायरेक्ट एकदम ना छुएँ, क्योंकि उसके आसपास हो सकता है कोई जहरीले कीड़े हो सकते हैं। तो अब देखते हैं ये मॉस थ्राइव कर पाती है कि नहीं। कुछ दिनों के बाद मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी, और फिर हम इससे टेरेरियम भी बनाएंगे। तो तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय।